निर्भया गैंगरेप केस में पटियाला हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। दोषियों के डेथ वारंट जारी करने की मांग पर जज ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिली कि अक्षय की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई को टाल दिया जाता है। अब इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुरक्षा कारणों से चारों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान निर्भया के वकील ने कहा कि फांसी की तारीख तय होनी चाहिए। दया याचिका लगाने से डेथ वारंट जारी होने का कोई लेना देना नहीं है। दया याचिका लगाने के लिए डेथ वारंट को नहीं रोका जा सकता। निर्भया के वकील ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है तो वो डेथ वारंट को स्थगित या स्टे कर सकते हैं। बाकी तीन दोषियों की पुनर्विचार खारिज हो सकी है। उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का अधिकार नहीं है। इस पर जज ने कहा कि जब तक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक ये कोर्ट डेथ वारंट जारी नहीं कर सकती। निर्भया के वकील ने याकूब मेमन केस का हवाला दिया। इस पर जज ने कहा कि याकूब मेमन केस में कोई पुनर्विचार याचिका लंबित नहीं थी। वेब 23 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।